कुछ जरूरी बात है जो आपसे करना चाहता हूं। सोचिए, इस देश में लगभग 1000 सालों से, मुगलों के आने से और उसके थोड़ा पहले से, जब मौर्य वंश की समाप्ति होती है, जब यहां मूल निवासियों की समाप्ति होती है और विदेशियों का हमला शुरू होता है, तब जातिवाद बनाया गया और तब से शूद्र और अछूत के नाम पर मनुस्मृति लागू किया गया और वो चलता रहा और लोगों पर अत्याचार हुए, तब उनको शूद्र और अछूत कहा गया, जातियों में बांट दिया गया, उन पर अत्याचार हुआ। उसके बाद जब संविधान लागू हुआ उन लोगों पर जिन पर जाति की वजह से अत्याचार हुआ था, उनको कुछ अधिकार दिए गए, तो धर्म की आड़ लेकर सोचिए किस तरह से जो तमाम लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। अभी एक बाबा प्रकट हुए हैं, वो कांग्रेस समर्थक बाबा हैं, शंकराचार्य हैं। वो आरक्षण को कह रहे हैं कि वो गलत है, संविधान गलत है, संविधान से जातिवाद आया है और वर्ण की व्यवस्था सही था, तो क्या ही कहा जाए। खैर, उससे आगे चलते हैं। सोचिए पढ़े लिखे मीडिया की क्या हालत है। देश में लगातार जवान शहीद हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले बढ़े हैं, जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन चारों तरफ चुप्पी है, सन्नाटा है, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि पहले जब सरकारें होती थी तो इस पर बात किया जाता था, और खासकर अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हो जाए तब तो उनको इस्तीफा देना पड़ता था, खाल खींच लिया जाता था। आज रेल हादसे हो रहे हैं, आज फिर हादसा हुआ है, लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, लेकिन हम इस पर कोई बात ही नहीं करते हैं। क्या हम सब लोग की चमड़ी इतनी मोटी हो गई है या सचमुच ये खबर नहीं है इस देश के लिए? उसके बाद आए दिन पुल टूट रहे हैं, एयरपोर्ट लीक हो रहा है, छतें ढह रही है, लोग मर रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी का आलम यह है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है कि बाजार में 80 रुपए से कम तो किसी सब्जी की कीमत ही नहीं है, ये भी खबर नहीं है। बेरोजगारी का आलम देखिए, बेरोजगारी का आलम यह है कि 25-25, 100-50 पोस्ट के लिए एमए, बीए, पीएचडी करके लोग लाइन में लगे हैं, लोडर की नौकरी के लिए हजारों लोग जुट रहे हैं मुंबई में, गुजरात में, बेरोजगारी चरम पर है। और सोचिए अभी भी लगातार हिंदू मुस्लिम का खेल चल रहा है मुजफ्फरनगर में, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम हुआ। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, इस देश में पिछले 1000 साल तक जाति के नाम पर शूद्र अछूत बनाकर जिनके साथ अत्याचार हुआ, संविधान आने के बाद इस देश में आज भी जातिवाद उसी तरह से हो रहा है। जातिवाद के नाम पर अत्याचार हो रहा है, जातिवाद के नाम पर लोगों पर हमले हो रहे हैं, और सोचिए कैसे कैसे हमले होते हैं। पहले अभी भी दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जिनको शूद्र अछूत कहा गया, उन पर हमले हो रहे हैं। बीच बीच में कभी सिखों पर हमले होते हैं, अब मुसलमानों पर हमले बढ़ गए हैं, लेकिन आज भी SC ST OBC का संवैधानिक पद छीना जा रहा है। सोचिए आप, कल्पना कीजिए, IAS की भर्ती में इकोनॉमिक बीकर सेक्शन EBS के नाम पर लगातार बेईमानी हो रही है, और जो हैंडीकैप्ड OBC के लोग हैं उनको मेडिकल में अनफिट बाहर कर दिया जा रहा है। ऐसे दर्जनों IAS के नाम सामने आ गए हैं जो लगातार फर्जी सर्टिफिकेट लगाए, जिन्होंने 3-3 साल नौकरी की और खुद अपनी तनख्वाह उनकी इकोनॉमिक बीकर सेक्शन से ऊपर है, उसके बाद भी वो फर्जी सर्टिफिकेट लाकर नौकरी कर रहे हैं, लेकिन इस पर बहस नहीं हो रही है। इस देश के सोशल मीडिया पर जो सवर्ण पत्रकार हैं वो हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करते हैं, वो रोज BJP की सरकार गिराते हैं और कांग्रेस की सरकार बना देते हैं। उनको पुल गिरने से, SC ST OBC के आरक्षण खत्म होने से, NFS होने से, संवैधानिक अधिकारों पर हमला होने से कोई मतलब नहीं है, महंगाई पर भी बात नहीं करते। वो रोज हाथ मलते हुए आते हैं और क्या क्या मतलब कॉमेडी चल रहा है, योगी हटेंगे, जाएंगे, कांग्रेस आएगी, BJP आएगी, लेकिन जो जनता के सवाल हैं, रेल हादसा है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, SC ST OBC की नौकरियां हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये तो पत्रकारों की हालत है। TV अखबार वाले पत्रकार के बारे में तो आप पहले से जानते हैं, उनसे तो आपने उम्मीद ही छोड़ दी,
तभी सोशल मीडिया पर हम लोग आए और हम लोगों ने यहाँ कैंपेन शुरू किया एस सी एस टी ओ बी सी किसान अल्पसंख्यकों की बात हो। उससे भी बड़ी विडंबना देखिए, इस देश के जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, जो आज भी जातिवाद को जिंदा रखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस देश का एस सी एस टी ओ बी सी किसान अल्पसंख्यक जातिगत पेशा करे, वो मीडिया में ना आए, वो जुडिशियरी में ना आए, वो ब्यूरोक्रेसी में ना आए। अगर आप जज बनेंगे हाई कोर्ट में कलकत्ता में, तो आपको जस्टिस कर्णन की तरह जेल में डाल दिया जाएगा। अगर आप प्रतीक पटेल की तरह सोशल मीडिया पर इस देश के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में और कर्मकांड अंधविश्वास के खिलाफ बोलेंगे, तो आप पर केस दर्ज कराया जाएगा। सोचिए किस तरह से ये लोग जो प्रतीक पटेल के पीछे पड़े हैं, निर्देश सिंह के पीछे पड़े हैं, मेरे पीछे पड़े रहते हैं, इसकी वजह हिंदू है या जाति है? और अगर ये सब हिंदू हैं, तो ये 90% हिंदू के एस सी एस टी ओ बी सी के आरक्षण के विरोध में क्यों है? क्यों नहीं उसके पक्ष में लिखते हैं? क्यों नहीं ये लोग वो तमाम सवर्ण जो गरीब सवर्णों का हक खा रहे हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण लागू हुआ है वो तो सवर्ण समाज के लिए है, तो अमीर सवर्ण गरीब सवर्ण का हक खा रहा है उसके खिलाफ ये लोग नहीं बोल रहे हैं? पुल गिर रहा है, एयरपोर्ट ढह रहे हैं, ट्रेन हादसा हो रहा है, उस पर नहीं। ये लोग प्रतीक पटेल और निर्देश सिंह को जेल में डलवाना चाहते हैं। क्यों? ये लोग चाहते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक आबादी एस सी एस टी ओ बी सी किसान अल्पसंख्यक जिसकी आबादी 90% है, उनके लोग कैसे मीडिया जुडिशियरी में आ सकते हैं? वो कैसे अपने अधिकार के लिए बोल सकते हैं? वो कैसे इस देश में अंधविश्वास के खिलाफ बोल सकते हैं? और उसको लेकर उनके ऊपर FIR दर्ज कराएंगे, केस कराएंगे, बिहार में नहीं हुआ तो असम में कराएंगे। ये सब किया जा रहा है और हम लोग चुपचाप बैठकर तमाशा देख रहे हैं। मुझे लगता है ये जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर गाली गलौज करते हैं, प्रतीक पटेल को जान मारने की धमकी दी जा रही है, निर्देश सिंह जो बहुजन समाज की बहुसंख्यक समाज की बच्ची हैं उनको जाति सूचक गालियां दी जा रही है सरेआम, कहां सोई है पुलिस? नॉर्मल इंटरव्यू पर FIR दर्ज करा दिया जाता है और ये जो गाली गलौज करने, ये कोई रैंडम सेना है? वो सीधे सीधे प्रतीक पटेल के परिवार को गाली दे रहे हैं, जान मारने की धमकी दे रहे हैं, निर्देश सिंह को धमकी दिया, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है? इन लोगों को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर जो फर्जीवाड़ा चल रहा है उस पर लिखते पढ़ते बोलते मैंने नहीं सुना। इन लोगों को रेल हादसे पर नहीं सुना, सेना के जवान शहीद हो रहे उस पर लिखते पढ़ते नहीं सुना है, बेरोजगारी पर नहीं बोल रहे हैं, मजाक बना रखा है इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि दलित पिछड़े आदिवासी किसान अल्पसंख्यक के लोग इनके खिलाफ ना बोले, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए ना बोले। आप गफलत में हैं। हम मानते हैं कि एससी एसटी ओबीसी किसान अल्पसंख्यक के लोग अभी मीडिया जुडिशियरी कॉलेज यूनिवर्सिटी ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह से डराएंगे और धमकाएंगे। पानी बहुत बह चुका है, संविधान है, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, कोर्ट कचहरी पर भरोसा है और संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जिस धर्म के मानने वाले लोग हैं उसमें अगर कोई कुरीति है, कोई अंधविश्वास है, कोई कुव्यवस्था है तो उसके खिलाफ बोले। कोई तो होगा जिसने बाल विवाह के खिलाफ बोला होगा, कोई तो होगा जिसने सती प्रथा के खिलाफ बोला होगा, कोई तो होगा जिसने बलि प्रथा के खिलाफ बोला होगा। बाबा साहब थे, उन्होंने मनुस्मृति जलाई है, लेकिन अब संविधान लागू है, जवान शहीद हो रहे हैं, भ्रष्टाचार है, उन सब पर बात कीजिए। आप लोग अंधविश्वास के सहारे कब तक राजनीति करेंगे? और आप हिंदू होने का दम मत भरिए, प्रतीक पटेल भी हिंदू हैं, हम जैसे लोग भी हिंदू हैं। हिंदू का क्या मतलब है? हमारा संवैधानिक अधिकार 90% एस सी एस टी ओबीसी का संवैधानिक अधिकार कौन खाने वाला है? आप हमें चाहते हैं कि हमको हिंदू बनाकर आप ठग लेंगे? हमें हमारा संवैधानिक अधिकार चाहिए। आपका धर्म कुछ भी हो सकता है, किसी का भी धर्म कुछ हो सकता है, भारत का संविधान किसी को भी धर्म के आधार पर भेदभाव करने की छूट नहीं देता है। हम लोगों को एस सी एस टी ओबीसी किसान अल्पसंख्यकों को अपने, हम SP DM कैसे बनेंगे, कलेक्टर CM कैसे बनेंगे, जज कैसे बनेंगे, बिजनेसमैन कैसे बनेंगे, खिलाड़ी कैसे बनेंगे, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। और मैं तमाम शोषित वंचित दलित पिछड़े एससी एसटी ओबीसी के लोगों से कहना चाह रहा हूं कि इन लोगों के खिलाफ लिखिए, नहीं तो आज प्रतीक पटेल है, निर्देश सिंह है, कल मैं रोज टारगेट पर होता हूं। और ये जो सवर्ण मीडिया है वो भी नहीं बोलेगा, जो सवर्ण सोशल पत्रकार है ये भी नहीं बोलेंगे, TV अखबार भी नहीं बोलेगा। हम लोग को मजबूती से अंधविश्वास पाखंडवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा
और स्कूल अस्पताल पढ़ाई लिखाई दवाई के मुद्दे उठाने पड़ेंगे। और ऐसे तमाम लोग जिनको टीवी अखबार में जगह नहीं मिलती है, सोशल मीडिया ना होता तो हम लोग इस पर बहस भी नहीं कर पाते। तो ये प्रतीक पटेल और निर्देश सिंह जैसे लोगों को डराया जा रहा है, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश इनके साथ खड़ा रहेगा, संविधान इनके साथ है, संवैधानिक अधिकार है और किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है। और पुलिस उन लोगों पर कार्रवाई करे जो जान मारने की धमकी दे रहे हैं, जो जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, जो गाली गलौज कर रहे हैं। शुक्रिया आप लोगों का और उन तमाम लोगों के साथ खड़े होइए जो आपके लिए इस देश के 90% बहुसंख्यक आबादी के लिए अपनी जान मुश्किल में डालकर आप में लिख रहे हैं, उनके साथ खड़े होइए, नहीं तो हमारी नस्लें गूंगी हो जाएंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।